नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। द सूत्र ने 6 नवंबर को ही आपको एक खबर दिखाई थी कि हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती का रास्ता साफ कर दिया और 1099 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने की बात कही। अब एक तरफ हाईकोर्ट ने एएनएम उम्मीदवारों के हक में फैसला सुनाया, तो अब जाकर हाईकोर्ट ने उन प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का भी रास्ता साफ कर दिया जो प्रयोगशाला शिक्षक बनने का एग्जाम तो दे चुके थे लेकिन सरकारी विभागों की लापरवाही और लाल फीताशाही के चलते अटके हुए थे। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को यह आदेश दिया है कि 1696 पदों पर अटकी पड़ी प्रयोगशाला शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिनों के अंदर पूरी की जाए। आपको बता दें कि ट्राइबल विभाग के अंतर्गत आने वाले इन प्रयोगशाला शिक्षकों के पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, बाकी जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई थी लेकिन सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इसी को लेकर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 वर्ग 3 के कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका में डीपीआई को भी पार्टी बनाया गया था लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये पद ट्राइबल विभाग के अंडर में आते हैं। इसके बाद नई याचिका दायर की गई। इस पूरे मामले में सेकंड काउंसलिंग के लिए 6 सितंबर 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस दौरान 1696 पदों का रोस्टर भी जारी कर दिया गया। 807 पदों की काउंसलिंग तो डीपीआई ने करवा दी लेकिन प्रयोगशाला शिक्षकों के पद अटक गए। इसके बाद 30 जून 2023 को इन पदों को ये कहते हुए रोक दिया गया कि इन पदों के लिए जो योग्यता चाहिए वो अलग है, इसीलिए इनकी भर्ती जनजाति कार्य विभाग करेगा और तभी से ये पूरा मामला अटका हुआ था। पर अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 30 दिनों के अंदर इन उम्मीदवारों की काउंसलिंग करवाई जाए और अगर काउंसलिंग नहीं हो सकती तो काउंसलिंग क्यों नहीं हुई ये भी विभाग को हाईकोर्ट में बताना होगा। यानी हाईकोर्ट अब एक के बाद एक फैसले दे रहा है जो लंबे समय से अटके हुए हैं। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता ने भेजी थी। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।